नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नेशनल हाईवे के बारे में, जो कि ऑलरेडी हमारी यूनिट 3 में दे रखा है सिलेबस में। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं और वो कहां कहां पर स्थित है। फर्स्ट में है भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। देखो, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे 27 है, ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 327B। देखो यहाँ पे नेशनल हाईवे 27 सबसे बड़ा और सबसे छोटा अगर है तो 27 तो है, आगे आपको 3 लगा देना है और बी लगा देना है, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं इजीली, है ना। भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे तो नेशनल हाईवे 27, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे तो नेशनल हाईवे 327B। अब नेशनल हाईवे जो 27 है वो कहाँ कहाँ से गुजरता है, ठीक है। गुजरात के पोरबंदर, राजस्थान, मध्य प्रदेश के शिवपुरी, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम के सिलचर तक जाता है। देखो ये क्वेश्चन MPSC में आया था कि जो नेशनल हाईवे 27 है ना वो कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे एंड होता है, तो उसका आंसर है कि गुजरात के पोरबंदर से लेकर तो असम के सिलचर तक जाएगा, यानी कि पश्चिम से पूर्व तक, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 के बारे में हम देखेंगे कि पहले सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था, पहले हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था नेशनल हाईवे 44, बट अब कौन सा है 27 है, ठीक है। पहले सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था, अब यह सेकेंड है, सेकेंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, पहले यह था, अब हमारा 27 हो गया है, तो जो नेशनल हाईवे 44 है वो सेकेंड नंबर पे आ गया है। इस टाइप से क्वेश्चन आए कि दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है तो 44 है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर में है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। देखो नेशनल हाईवे 44 पहले सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था, अब यह सेकेंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है भारत का, ठीक है, हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, श्रीनगर से तो कन्याकुमारी तक नेशनल हाईवे 44 जाता है। मध्य प्रदेश में, अब देखो हम देखते हैं कि जो नेशनल हाईवे 44 भारत में तो है, लेकिन इसमें किसकी मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, यानी कि MP के किस किस जगहों से ये गुजरता है। तो ये गुजरता है मुरैना से, ग्वालियर, दतिया, सागर, सिवनी और झांसी, ठीक है। और ये कहाँ जाकर मिलते हैं, नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 27 तो झांसी में मिलते हैं। देखो नेशनल हाईवे जो 44 है ये हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 27 है ये भारत का पहला सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, और ये जो नेशनल हाईवे 44 है ये पहले था लेकिन अब सेकंड नंबर पे आ गया, क्योंकि अब 27 फर्स्ट हो गया। लेकिन ये दोनों मिलते कहाँ हैं, तो ये दोनों झांसी में जाकर मिलते हैं, ठीक है। अब आता है ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये भी मोस्ट IMP है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये चार महानगरों को जोड़ती है, देखो चार महानगर है ना उन्हें जोड़ती है, कौन कौन से हैं, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, इन चारों को जो नेशनल हाईवे जोड़ते हैं उन्हें हम स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहते हैं, ठीक है। तो ये कब बनी थी, तो 2001 से 2012 तक बनी थी, 12 साल लग गए, देखो 2001 से 2012 तक बनी, दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, कौन सा नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 48 जाता है। चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई से जो कोलकाता है वो नेशनल हाईवे 16 जाता है, कोलकाता से दिल्ली वहाँ पर नेशनल हाईवे 19 आता है ना। यदि हम बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की, तो ये क्या है, ये चार महानगरों को जोड़ती है, 2001 से 2012 तक बनी है, दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई, कौन सा नेशनल हाईवे आता है, तो नेशनल हाईवे 48। चेन्नई से कोलकाता तो नेशनल हाईवे 16 आता है, और कोलकाता से दिल्ली जाना होता है तो नेशनल हाईवे 19 से होके जाना पड़ता है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे, अभी तो हम देख रहे थे इंडिया के यानी कि भारत के, अब हम देखेंगे हमारे MP के। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 46, MP का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे क्या है, नेशनल हाईवे 46 है, और इसमें नंबर पर सबसे बड़ा, सॉरी दूसरे नंबर पर है नेशनल हाईवे 44 और तीसरे नंबर पर है नेशनल हाईवे 47। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे तो 27, और इंडिया का यानी कि भारत का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे
सेकंड नंबर वाला तो 44 है। लेकिन हम एमपी की बात करें ना, तो एमपी में भी सेकंड नंबर पे 44 है, और ये नेशनल हाईवे 47 है ये तीसरे नंबर पे है, और सबसे बड़ा 46 जो कि 634 किलोमीटर लंबा है। देखो 634 किलोमीटर लंबा है। अच्छा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 46 दूसरे नंबर का है, तो NH-44 तीसरे नंबर का है, NH-47 मध्य प्रदेश में पहले सबसे छोटा नेशनल हाईवे था। देखो पहले सबसे छोटा नेशनल हाईवे था, लेकिन अब कुछ चेंज हो गया है। तो पहले कौन सा था पता है? नेशनल हाईवे 339B था, जो कि 9 किलोमीटर लंबा था, है ना, 9 किलोमीटर लंबा था। ये पहले सबसे छोटा था, ये था बमिया और खजुराहो में, ठीक है, बमिदा और खजुराहो वाला था। अब जो नया हो गया है ना, वो मध्य प्रदेश में वर्तमान में सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, वो 135BB है। ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे है अभी करंट में, ठीक है। लेकिन अगर पूछे जाए कि मध्य प्रदेश में पहला सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा था पहले, तो पहले था 339B था, जो कि 9 किलोमीटर लंबा था, ठीक है। और अब पूछिए, अगर अभी जो लेटेस्ट है सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो 135BB है, जो कि 7.50 किलोमीटर लंबा, जो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के डमरुआ तक जाता है, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के डमरुआ तक जाता है। ये है मध्य प्रदेश में वर्तमान में सबसे छोटा नेशनल हाईवे। फिर आता है डभोरा या डमरुआ, ठीक है, दो नाम है, कुछ लोग डभोरा कहते हैं, कुछ लोग डमरुआ कहते हैं। ये रीवा ज़िले की जावा तहसील, रीवा जो ज़िला है वहाँ पर जावा तहसील का एक गांव है, ठीक है। अब हम भी सोच रहे हैं कि डभोरा कहाँ है या डमरुआ कहाँ है, तो ये रीवा ज़िले की जावा तहसील का एक गांव है, जहाँ नेशनल हाईवे 135BB जाता है, यानी कि NH-135BB, और 7.5 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। देखो MP में इसका कितना भाग है, 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर। अब आ रही आती है नेशनल हाईवे 44 की, सॉरी 43, ठीक है, NH-43, तो छतरपुर, पन्ना, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये कहाँ कहाँ से गुजरता है? छतरपुर, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल। नेशनल हाईवे 45, नेशनल हाईवे जो 45 है यानी कि NH-45, ये अब्दुल्लागंज, बरेली, तेंदुखेड़ा, जबलपुर, कुंडम, शाहपुर, डिंडोरी, सागर टोला, कबीर चबूतरा, छत्तीसगढ़ की सीमा तक जाता है। कौन सा नेशनल हाईवे? 45। अब आता है नेशनल हाईवे 46, तो ये कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो ग्वालियर, भोपाल, बैतूल, अब्दुल्लागंज, होशंगाबाद। नेशनल हाईवे 47, ये कहाँ से गुजरता है? तो गुजरात प्लस मध्य प्रदेश, यानी कि नेशनल हाईवे 47 जो है वो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों में आता है। अगर हम बात करें MP में, तो झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा, मुलतई, बैतूल, ठीक है, और फिर महाराष्ट्र की ओर भी जाता है नेशनल हाईवे 44, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब हम MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो हम देखें कि MP में कहाँ कहाँ नेशनल हाईवे 47 NH-47 कहाँ पड़ता है? तो झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा, मुलतई और बैतूल। NH-30 यानी कि नेशनल हाईवे 30, ये मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरता है? तो ये आता है रीवा, कटनी, जबलपुर और उसके बाद छत्तीसगढ़ में। फिर आता है नेशनल हाईवे 39, जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो है, MP में भी है, तो उत्तर प्रदेश में झांसी से होकर गुजरता है, और मध्य प्रदेश में छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली, ठीक है। नेशनल हाईवे 34 जो कि छतरपुर, दमोह, जबलपुर और सिवनी, इन चार गांवों से होकर गुजरता है। NH-52 यानी कि नेशनल हाईवे 52 जो है वो आता है हरियाणा से, शुरू होता है कहाँ से? शुरू होता है हरियाणा से, शुरू होता है और मध्य प्रदेश में आता है, पर मध्य प्रदेश के कहाँ? राजगढ़ ब्यारा है ना, जो ब्यौरा बोलते हैं, ब्यारा बोलते हैं वो, शाजापुर, देवास, इंदौर और पीथमपुर, फिर महाराष्ट्र तक जाता है। तो नेशनल हाईवे जो 52 है वो हरियाणा से शुरू होता है, MP में पड़ता है, महाराष्ट्र तक जाता है। लास्ट है नेशनल हाईवे 56, जो नेशनल हाईवे 56 है वो गुजरात से मध्य प्रदेश में जाता है, कहाँ से? भाभरा और अलीराजपुर, ठीक है, गुजरात से मध्य प्रदेश में जाता है, पर मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ता है वो? तो भाभरा और अलीराजपुर वहाँ पर आता है। नेशनल हाईवे 135BB, ठीक है, नेशनल हाईवे 135BB
जो कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक जाता है। और उत्तर प्रदेश में इसका कितना पार्ट है? 12.5 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में 7.5 किलोमीटर है। यहाँ तक हमारे सारे नेशनल हाईवे कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको वंस अगेन रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा और क्या कंप्लीट किया, कौन सा वाला पार्ट कंप्लीट किया। इस वीडियो में हमने देखा कि जो भी नेशनल हाईवे थे उनके बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने भारत के नेशनल हाईवे देखे कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे 27 है, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 327B है। फिर हमने देखा कि नेशनल हाईवे 44 जो था वो पहले सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था, बाद में ये सेकेंड नंबर का बड़ा नेशनल हाईवे बन गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हमने देखी थी, तो वो 4 महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ये 2001 से 2012 में बनी थी। जो दिल्ली से मुंबई जाता है वो नेशनल हाईवे 48 है, चेन्नई से कोलकाता NH-16 है, कोलकाता से दिल्ली जो NH-19 है। इसके बाद हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखे थे, ठीक है, कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो हमने देखा था NH-46, दूसरे नंबर का बड़ा तो NH-44, तीसरे नंबर का बड़ा तो NH-47, मध्य प्रदेश में पहले सबसे छोटा कौन सा था तो 339 BB था, और जो अभी है वो 135 BB है नेशनल हाईवे। ओके, इसके बाद हमने सारे नेशनल हाईवे के बारे में देखा कि कौन से नेशनल हाईवे है और कहाँ कहाँ से वो गुजरते हैं हमारे MP में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।